हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। अभी हो रहे हैं मॉर्निंग की 6:30 और आज ना बारिश हो रखी है और बारिश के बाद ना ठंड और ज़्यादा बढ़ गई है। अभी आ गई हूँ मैं किचन में और आज यहाँ पे बन रही है इडली और साथ में मूंगफली की चटनी। मुझे ना कोकोनट की चटनी भी बनानी थी बट मैंने सोचा कि आज एक से ही काम चलाया जाए। मुझे तो मूंगफली की चटनी ना ज़्यादा पसंद नहीं है बट रियांश और उसके पापा की फेवरेट है, तो बस खाना तो उनकी फरमाइश का ही बनता है। और रियांश को मैंने स्कूल भेज दिया है और उसको भी मैंने इडली ही डाल दी है आज। इडली ना हमारे घर पे सैटरडे या संडे को ही बनती है क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। वह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये सब बना पाऊँ, तो बस सैटरडे संडे के दिन ही बना पाती हूँ। और बट आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और फिर सोचा कि आज इडली ही बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे रवा इंस्टेंट इडली बनाई है क्योंकि राइस इडली बनाने के लिए पहले उसको फर्मेंट करना पड़ता है। मुझे ना रवा इडली ही अच्छी लगती है खाने में और मेरे हस्बैंड को यहाँ पे राइस इडली पसंद है, बट ठंड में उसको इतने ईजिली हम फर्मेंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम 7 to 8 hours के लिए रखना ही पड़ेगा। बस अब हम भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। बस ब्रेकफास्ट के बाद ना मुझे आज अपनी बालकनी में ये सब पड़ा मिल गया और मैंने इसे हवेली में देखा था कि इसका यूटिलाइजेशन बड़े अच्छे से करा था उन्होंने, तो बस मैंने भी सोचा कि क्यों ना कुछ बनाया जाए इसका। ये ना एक्चुअली रोड साइड से जो ट्रैक्टर मिलते हैं बच्चों के लिए, वो मैंने रियांश के लिए लिया हुआ था। तो ये ना ट्रैक्टर की बैक साइड थी और जो कि काफ़ी टाइम से ऐसी ही पड़ी हुई थी। तो बस यहाँ पे हमारा ये रैक बनके तैयार हो गया है ना। हम कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे इसको डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं या फिर हम इसका यूटिलाइजेशन किचन में भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे जार रख दिए हैं। मैंने ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगती हैं। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। किचन के काम तो पूरे दिन ख़त्म ही नहीं होते हैं, पूरा दिन लगे रहो बस यहीं पर। मैंने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आई थी, बस इसी को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। उनके बाद ना हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी बाहर से लेके आते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल, तो उन्हें पहले अच्छे से धो के ही फ्रिज में रखते हैं। और धोना भी बेकिंग पाउडर से होता है, ये भी एक टास्क होता है हर वीक का। कोरोना के बाद ना हमारी बहुत सारी आदतें ऐसी थी कि जो बहुत हद तक सुधर गई हैं और ये एक हद तक बहुत अच्छी बात भी है। बस अब फ्रूट्स और वेजिटेबल को मैंने अच्छे से 10 मिनट के लिए पानी में डाल करके बेकिंग पाउडर डाल करके उसको अच्छे से वॉश कर लिया है। आफ्टरनून में ना मैंने ऐसे ही मन कर रहा था तो मैंने थोड़े से दही भल्ले और साथ में मैंने यहाँ पे खीर बना दी थी। इसका ब्रेकफास्ट और लंच ना थोड़ा सा हैवी हो गया था, तो बस अब पूरे दिन के कामकाज के बाद अभी इवनिंग के चाय तो बनती है। अभी हो रहे हैं इवनिंग के 5 o'clock। बस चाय वगैरह पीने के बाद रियांश बैठ गया था अपनी यहाँ पे मोनोपोली लेके और सबने मिलके यहाँ पे मोनोपोली वगैरह खेली और इन सब में ही आज पूरा दिन ऐसे बीत गया कि पता ही नहीं चला। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।